आज ये शेड डाला है प्लास्टिक शीट का यूज करते हुए, अभी मुकम्मल डालेंगे आस्ता आस्ता। ये अभी दरख्त जो है इनकी सेटिंग कर रहे हैं, इन दरख्तों की जो एक्स्ट्रा टहनियाँ थी जो बाहर आई हुई थी वो सीधी की हैं ताकि इस तरह से सीधा दरख्त ऊपर जाए। तो बहरहाल ये मैंने लगाने थे किधर और बहरहाल टाइम नहीं मिला, इनको मैं शिफ्ट करूँ किसी और जगह पे। नहीं ये वाली काट दो, तो इसको भी दिखा बता रहे हैं कि किस तरह से जो है ना दरख्त वो लगाए जाते हैं और सेट किए जाते हैं। जफर ये जो जितनी भी टहनियाँ होती है ना एक्स्ट्रा, इनको काट दिया जाता है ताकि दरख्त जो है ना सीधा ऊपर जाए। ओए ओए गिर गया जफर, इधर आओ मैं आपको समझाऊँ, इधर आओ मैं आपको समझाता हूँ, बैठो। ये देखो ये जो ये है ना एक्स्ट्रा, ये वाली आप काट दो ठीक है, ये से ये वाली एक मिनट रुको मैं समझाऊँ आपको। ये वाली जो है ना एक्स्ट्रा मोटा तारा नहीं काटना ठीक है, इसी पे दरख्त फिर खड़ा होता है ये वाला, ताकि सीधा दरख्त ऊपर जाए। अभी इसकी ये भी एक पीछे भी एक्स्ट्रा है, और उसको रहने देते हैं, उसको रहने दो जाफा, उसको छोड़ दो। नहीं नहीं इसको 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 आके सीधा करो, इसको सीधा करो। ये इसके ये जो ये वाली है ना, ये वाली भी काट, ये वाली भी काट दो। नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये वाली हाँ, इधर से जॉइंट से ये कांटा है। ये माल्टे का दरख्त है जफा, इधर से नहीं ना, आप समझते नहीं हो, इधर आओ मैं आपको समझाऊँ। ये वाला जो है ना इसका ये सीधा तना रहने देते हैं, ये वाला एक्स्ट्रा काट देते हैं बस ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा काट देते हैं ताकि सीधा हो जफा। इसमें कांटे देखना ठीक है, कांटे काट दूंगा, कांटे इसमें देखना एक्स्ट्रा। चले बहरहाल फिर जो होता है वो दिखाएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम, मोटरसाइकिल की आवाज आ रही होगी, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं हमने, तारक साहब को क्रॉस करते हुए जाना है, तारक साहब को पता नहीं लगे ये पीछे खड़ा था तारक। अच्छा बात भी आई हुई थी, तो अभी ऐसा है कि जाएंगे खारिज के हिसाब से उनके साथ, हमें उनको थोड़ा सा तंग करना है। उनकी पहली वीडियो जो हमने डाली थी वो कहते हैं कि क्यों डाली है, मैं तुम्हारे लिए वकील करूंगा। मैं कि वकील शौक से करो, एक नहीं दो करो, हमारे कैमरे के आगे आए क्यों थे आप। दोबारा अभी वो देखते हैं वो क्या करता है, क्या गप लगाता है। तो कल तबीयत बड़ी खराब थी, आज काफी बेहतर है, अजलाल जी आगे निकल गए, हमें जाना होता मोड़ लेते हैं। जज्बात जो है ना वो जज्बात पे आ गए थे और फिर अभी मोड़ना पड़ गया। तो अभी कारी साहब आए हैं पराठा खिलाने और साथ चाय खिलाने। तो ये हमारे पास इजलाल खान भी बैठे हैं। इजलाल खान लाल दिपके मक्की पके हो रहा क्या लगा इस चीज यहाँ पर। साहब आप कुछ इरशाद करना चाहते हैं। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, इन्ना वल्लू अल्लाह हाफिज़ है। अच्छा कारी साहब मेरी बात नहीं सुन रहे, मैंने इनको कहा चेयर लेके इधर बैठे, कहते नहीं बैठना। मैंने आगे से बोलते हैं वो जो एक गारा मेरे पास एक ही सेम है वो देखा है, ये नहीं मान रहे बात, वो सामने जाके बैठ गए, ये मुंह अपना छुपा रहे हैं। यहाँ से मैं दिखाता हूँ, वो देखे नजर आ रहे हैं, उन्हीं को दिखा रहे हैं, वो देखे। ये मुझे कहते हैं कि मैं वकील कर रहा हूँ, तुमने बगैर इजाजत के इस ब्लॉग में डाला, तो अभी ये मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं इनको कह रहा हूँ आपकी इजाजत से आप इधर आके बैठे, इधर आके तसल्ली से बात करते हैं, गपशप लगाते हैं। कहते नहीं तुमने वो पुरानी वीडियो क्यों चढ़ाई थी, तो अभी ये बात नहीं सुन रहे मेरी और ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि तुझे मैं बताता हूँ। ये इधर आके बैठ जाएंगे तो इनके मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा। जी 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 जब आपको दिल करे। मुजफ्फर की तबीयत खराब है मेरी, इसको लगा सर पे चोट और मैं जो हूँ बुखार है बहुत ज्यादा। शदीद लग चुकी है पर अल्लाह से ठीक ठाक लग रही है खेलते हुए।
तो फिर से वेलकम घर आ चुके हैं। सीट तो गंदे, ये आइसक्रीम खा रही है, ये बुरे हालात है इसके। तो बहरहाल ये अपना जाके फेस धो के, ये कह रही है मुझे लेके आओ, इसने ये देखे ये क्या हालात किया है। ये बहुत गंदे तरीके से खाना खाती है, बहुत गंदे तरीके से खाना खिलाती है। तो अभी उजाफा इधर बुढ़ो, ये देखे जी इंतखाबी निशान लेके बैठा हुआ उजाफा। इसने जो है ना चोट लगवा ली थी, तो डॉक्टर को मैंने कहा कि आप इस तरह करें कि इसको ट्रीट करें, तो डॉक्टर साहब ने कहा इसको ऐसा करें कि यहाँ पे दो टांके लगवा के, मैं तो फेस की साइड पे दो टांके जो है वो जख्म बहुत खुला हुआ है, तो आप कोशिश करें इसको टांके ना लगें, अगर टांके इधर लग जाते हैं तो वो सामने हमेशा नजर आएंगे। तो नहीं टांके नहीं लगाए ना इसको, फिर इस तरह से एक स्ट्रिप सी मिलती है, वो इस तरह जोड़ के लगाते हैं तो जुड़ जाती है आपस में, वो स्ट्रिप सी लगा के उससे जो है ना जख्म को बंद कर दिया। बहरहाल मुझे भी ड्रिप लगी थी, तो मेरा अचानक बीपी लो हो गया था, बहुत ज़्यादा लो था, तो वो इसी गले के इन्फेक्शन की वजह से बीपी ज़्यादा लो हो गया था, कभी बुखार फीवर हो रहा था कभी नहीं हो रहा था। जब मैं गया था उस वक्त तो नहीं था, नॉर्मल था, पर डॉक्टर साहब ने चेक किया तो कहते हैं तुम्हारा बीपी तो बहुत ज़्यादा लो, तुम इस तरह करो कि ड्रिप लगवा लो, साथ उसमें जो है एंटी एलर्जी इंजेक्शन भी डाल दो। तो उसी वजह से मुझे थोड़ा सा रिएक्शन हो रहा था, जब लास्ट में कोई ड्रिप पहुँची तो मेरा हाथ जो है वो सोने लग गया, उसमें खारिश सी होने लग गई, बड़ी तकलीफ सी हो रही थी। और मैंने डॉक्टर साहब के असिस्टेंट्स को कहा कि ये मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो डॉक्टर साहब खुद ही आ गए, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये आप करवा लें इतनी काफ़ी है, तो ये क्या कहते हैं कि आपको तकलीफ पहुँचा रही है, तो उन्होंने कोई जेल वगैरह भी लगाई, अभी काफ़ी बेहतर हो आराम है। तो बहरहाल ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आई, आसानियाँ आई, तकलीफें आई, मगर गुजर गई। तो अल्लाह ताला भी कहता है इन्ना मालू सरी उसराफा, इन्ना मालू सरी उसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, फिर अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि बेशक, यानी इसमें कोई शक नहीं कि फिर हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये भी मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम है गुजर जाएगा। तो मैं उधर गया था डॉक्टर साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि आपको ड्रिप लगेगी, मैं इस तरह करता हूँ, मैं घर से होके आता हूँ तो फिर आके मैं ड्रिप लगवाता हूँ, आप इस तरह करें रेडी करें ड्रिप वगैरह। तो उन्होंने रेडी की, तो मैं घर में आया, मैं एक घर की चाबी भी देनी थी, विजिट करवाना था वो भी मैंने दी, तो वापस आया तो देखा इस बच्चे को सर में लग गई थी, जगह पे काट लग गया था, फिर कुछ खेल रहा था, बस खेलते खेलते इसको पिलर के कॉर्नर से लगी, तो बचत तो होगी अल्लाह का शुक्र है, ब्लीडिंग वगैरह हुई है इसको, अगर काफ़ी बेहतर है, अब ठीक हो गया, एक दिन रेस्ट कराएंगे स्कूल से इसको, ताकि इसके जख्म को जो है ना दोबारा से खुले ना, क्योंकि वो स्ट्रिप से जो है इसको थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है, एक दो दिन उसकी स्ट्रिप लगी रहेगी तो उससे यह है कि बेहतर हो जाएगा जख्म। तो अल्लाह पाक इसको सेहत दे, जिंदगी में बहुत बहुत तकलीफें देखी हैं, परेशानियां देखी हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, टांगें टूटी हैं, हार नहीं मानी, जख्म होते रहे हैं, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसको भी सेहत दे, मुझे भी दे। तो आज तक का ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करेंगे ब्लॉग आपको पसंद आएगा, थोड़े दिनों से ब्लॉग डेली रूटीन में नहीं चल रहे थे, उसकी यही वजह थी, मैं थोड़ा सा बीमार था खुद, तो एक बंदा कह रहा था कि वो इतना करीब कैमरा कर लेते हो कि प्रोग्राम वही बीच में आता है, तो क्या करें यार, अभी थोड़ा सा दूर रखने की आदत नहीं है ना, आस्ता आस्ता आदत पड़ेगी, तो दुआ किया करें हमारे लिए अल्लाह में से, आपके लिए भी दुआ अल्लाह पाक आप सब सेहतियाब रखें। तो जब भी गले का इन्फेक्शन हो तो फौरन कोशिश करना चाहिए फौरन से पहले डॉक्टर को चेक कराएं, तो वरना ये हालत है, ये देखना ड्रिप लगी हुई थी, बुरी हालत थी, तो एक छोटा सा गले का दर्द इतने बड़े मर्द को जवान को जो है ना लटा देता है स्ट्रेचर पे, तो बेहतर यही है कि आप इसको टाइम से जो है ना डॉक्टर को चेक करवा लिया करें, खुद ही एंटी एलर्जी गोलियां ना खाया करें, एंटीबायोटिक ना खाया करें, बेहतर यही है कि डॉक्टर को चेक कराएं,
इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।